जय हिंद दोस्तों। कितना सेट डेली मारना चाहिए? डेली दो मारना चाहिए, एग्जाम सर पे हो तो डेली तीन भी मारना चाहिए, ठीक है? एग्जाम दूर है तो डेली एक सेट मारिए, एग्जाम नज़दीक आते जाए तो सेट की संख्या बढ़ाते जाइए और देखते जाइए कि कितना उसमें हमको मेहनत करना है, ठीक है? तो सेट ही सब कुछ है, सेट को प्रिफ्रेंस दीजिएगा क्योंकि सेट रिजल्ट बनाएगा, ठीक है? सेट ही रिजल्ट बनाता है। इसके पहले हम जो छटे हैं बार बार, दो बार पहले भी, वो सिर्फ यही रीज़न था कि मैंने सेट नहीं मारा था अच्छे से, और जबकि लास्ट वाले एग्ज़ाम में मैंने प्रॉपर सेट मारा, अपने रिजल्ट को देखा तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा और सेट से पता चला कि कहाँ कितना क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है? सो सेट मारिए, सेट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? सेट पे कंटिन्यू रहिए। और उस पर आप ये कर सकते हैं कि जब आप सेट मारते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे से कौन सा टॉपिक फंस रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं फंस रहा है, ठीक है? सेट में आप किरण पब्लिकेशन का मारिए, मैंने हाल में उसे देखा, वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल करके भी दिया हुआ है, तो वो सेट कर मारने के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है? जितना जो आपको पब्लिकेशन पसंद है, जो नहीं पसंद है, जो है सब मारिए, ठीक है? क्योंकि एक सेट में प्रैक्टिस ही कितना होता है, 20, डेली दो मारेंगे दो ख़त्म, है ना? तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अलग अलग वैरायटी का सेट प्रैक्टिस पे अपना हाथ बैठाइए। और पीछे जो डिटेल दिया रहता है, जैसे कि बाकी सबका तो नहीं पता, किरण पब्लिकेशन में बहुत अच्छा से डिटेल पैक में दिया हुआ है, वो भी कर सकते हैं। हर सेट प्रैक्टिस में जितना दिया हुआ है वो टॉपिक को पकड़िए, क्योंकि कोई भी बना रहा है जो अपने बुक के ऊपर खर्च कर रहा है, कुछ सोच समझ के ही कर रहा है, ठीक है? तो आप उसका फ़ायदा उठाइए उसके सोच का, ठीक है? आपको बना बनाया मिल जा रहा है तो उस बना बनाए चीज़ का फ़ायदा लीजिए और उस पर अपना हाथ बैठाइए। सेट पे पूरा कॉन्फिडेंस बनाइए, सेट अच्छा करेंगे सब अच्छा रहेगा। मौसम में परिवर्तन आ चुका है, ठंड थोड़ा लग रही है, ठीक है? तो ठंड को देखते हुए पूरा लॉक वॉक होके आराम से ड्यूटी किया जा रहा है, तो सेट पे अपना हाथ बैठाइए। बाकी जो आप कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, जो हम करते हैं गलत थोड़ी करते हैं अपने लिए। कई बार आप लोग बोलते हैं अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, अब नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये सब विचार आता है भाई, ये सबके साथ हुआ है, आपके साथ क्या मेरे साथ भी हुआ है, अब लगता है अब नहीं होगा। जानते हैं इस बार जो हम वैकेंसी में, जो हम आज जॉब में खड़े हैं, ये किसी और के कॉन्फिडेंस का नतीजा है। कोई और बोला था कि हाँ निकल जाएगा, जाओ यार हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा, तब जाके हम एग्ज़ाम देने गए थे, नहीं तो हम हर बार हार जाते थे। हम कहते इस बार पढ़ेंगे ही नहीं, एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, लेकिन बाई लक जितना पहले से पढ़े थे उस रिज़ल्ट से मेरा रिज़ल्ट बन गया, ठीक है? आई स्वर मैंने पूरी तरह से तैयारी नहीं किया था पीटी में, मेंस में तो मैंने जम के तैयारी किया, पीटी में मैंने इतना अच्छे से नहीं किया था क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो पे आ गया था, क्योंकि हर बार फाइनल में जाके छट जा रहे थे, तो सोचा मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हो ही नहीं सकता, काफ़ी लेट होते जा रहा था। तो जब लगता है कि कुछ नहीं होगा ना, तभी सोचिए तब्बे होगा, तब्बे बिगिन होगा, ठीक है? तो जब आसरा एकदम ख़त्म हो जाता है ना, तभी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। तो यही सोचते रहिए, लगे रहेंगे तो हो जाएगा, ये मैं एकदम 100% बोल रही हूँ। जो लगा रहता है, कंटिन्यू रहता है, उसका एकदम रिजल्ट बनता है, ठीक है? तो लगे रहिए, लगे रहने से एकदम होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है? बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने करंट को लेकर बताया, एक्चुअली करंट में सिर्फ उतना ही करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और मैगजीन से तैयारी कीजिए। ज़्यादा करंट अफेयर पे माथापच्ची करेंगे तो करंट अफेयर टाइम पूरा किल करेगा। एक समय में मेरा भी बहुत टाइम किल किया है करंट अफेयर, ठीक है? कई सारा वीडियो देखना, कई सारे टीचर्स का वीडियो देखना, सब बेकार है। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो टॉपिक आप देख सकते हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और डेली न्यूज़पेपर में एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई इस दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर एक टॉपिक को उठाया तो 10 दिन तक कम से कम छापेगा और देखते देखते याद हो जाएगा। रटना नहीं है, बस देखना है, एक नज़र देखते देखते याद हो जाएगा। तो कोशिश करिए, आँख से देख के पढ़ाई मत कीजिए, बोल कर लिख कर कोशिश कीजिए पढ़ने का। जो आप बोल के लिख के एक बार कर लेते हैं ना, वो कंठस्थ हो जाता है। सिर्फ आँखों देखे हाल से कुछ नहीं होने वाला है, नहीं होता है। फ़ोन पे देखा और याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कान ने सुना याद हो गया, ऐसा नहीं है। लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा याद होगा,
लिखने का कोशिश कीजिए, लिखेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। तो बस यही करंट के लिए करना है, डेली हाथ मतलब सेट प्रैक्टिस पे बैठाते रहना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं खर्च करना है, एक्स्ट्रा चीज़ों को ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इतना से आपका रिजल्ट हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।